आप हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग मेहर के जहां में आपका स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे अभी मैं अंधेरे में कैसे दिख रही हूं और कहां निकल रहे हैं। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे और जहां हम जाके खाएंगे फालूदा आइसक्रीम। तो वो बहुत ही लजीज और टेस्टी फालूदा आइसक्रीम है। उसके बाद मैं आपको एक अलग जगह पे लेके जाऊंगी और आज सस्पेंस बना रहेगा, तो आप मेरे साथ बने रहें और चलते रहें। और रमज़ान आने वाला है इसलिए देखें कि कराची कितनी खूबसूरती से सजा दिया गया है, चारों तरफ हर तरफ सजावट है। और इस टाइम बज रहे हैं 12 और अभी तक शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, क्योंकि अब रमज़ानों में कराची में शॉपिंग मॉल्स शहरी के टाइम पर ही बंद होंगे। तो भैया हम लोग निकल चुके थे और रास्ते में यहाँ पे ट्रैफिक लाइट ऑन हो गई है, जो कि हमेशा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिग्नल खुले मिले हूँ, हमेशा सिग्नल ऑफ ही होते हैं। और बस हम करीब पहुँचने वाले हैं। सारे बैंक्स हैं, आप देखें, मैं आपको कराची के बैंक दिखा रही हूँ क्योंकि कराची वाले तो देख रहे होंगे लेकिन इंडियंस भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए। तो इंडियंस के लिए मैं ज़्यादातर कराची और पाकिस्तान की चीज़ों को स्पॉट करती हूँ। तो ये सारे बैंक हैं और देखें यहाँ भी बाटा की शॉप है, अस्करी बैंक। तो गाइस अभी हम लोग खड़े हैं कहाँ पे, सनी मेडिको कराची में। ये सनी मेडिको, इनके शॉप पे हर सारी दवाएं मिलती हैं, बल्कि एक स्टोर भी इन्होंने पूरा बना दिया है जहाँ आपको हर सामान मिलेगा। तो किसी को शायद किसी की दवा लेनी है तो वो अभी उतर के सनी मेडिको चले गए हैं। हम लोग फ़िलहाल जहाँ हमने आइसक्रीम खानी है, फालूदा खाना है ना, वो जो उस जगह पर हम लोग पहुँच ही चुके हैं, वहाँ से बैक पे हैं। अभी वहाँ पहुँच के हम आपको दिखाते हैं। तो जब मैं जो है क्या कहते हैं रोजैन जो है नहीं हुआ था, हम लोग यहाँ डॉक्टर के पास आते थे तब दिखाने प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैं अक्सर फंसी और मैं वहीं पे रुक के हम लोग उनका वो क्या कहते हैं पराठा और कबाब भी इतना ज़बरदस्त होता था और रायता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो हम लोग जब डॉक्टर से वापस लौटते थे तो वहीं पर रायता, पराठा, कबाब खा के और फालूदे का ग्लास बनवा के और लेके जाते थे। अच्छा, इंडिया में जो फालूदे हैं ना, उनका जायका बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान के फालूदे से। हम दोनों जगह के फालूदे का कंपेयर किए करें तो पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा फालूदा बनाते हैं। उधर से घूम के वहाँ पीछे चलेंगे ना, इधर हम लोग मेडिकल स्टोर की तरफ आए थे, अब मेडिकल स्टोर से उधर पीछे जाएंगे। पीछे था वो मेडिकल स्टोर ही तो। भैया हम पहुंच चुके बलोच आइसक्रीम, काफ़ी देर के बाद हमारा वेट ख़त्म हुआ। और बलोच आइसक्रीम पर सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं मिलती है लेकिन इनकी आइसक्रीम फेमस है क्योंकि ये लोग खुद बनाते हैं। आप पिस्ता खाएंगे तो टोटल पिस्ता होगी, काजू खाएंगे तो उसमें काजू होगी। तो इनके पास तो आपको फास्ट फूड भी मिल जाएंगे और इनके पास आपको कबाब, टिक्का, बर्गर, ऐसी बहुत सी चीज़ें और स्ट्रीट फूड भी आपको मिलेंगे जिसमें पानी पूरी और चाट, ये हर चीज़ होती है। तो बच्चे बड़ा तंग कर रहे थे फंसी का कार में, तो ये लोग बिल्कुल परेशान करके रख देंगे क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो हम लोग आ गए थे और आ गया हमारा फालूदा, आप लोग देख सकते हैं, उसमें तुक मलंगा, ऊपर से जेली, उसमें ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम और इसमें कलरफुल शरबत, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाई गई थी। तो बहुत ज़बरदस्त था टेस्ट में। क्या बोल रही है मायरा? बोल रही है, मायरा कह रही है कि आप आइसक्रीम खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। क्या कह रही हूँ डाइट से? हाँ, मायरा बहुत बड़ी हो चुकी है, वो आइसक्रीम खाएंगी तो वो बीमार नहीं होगी। आप लोग आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, खाली जगह आपको। तो भैया फालूदे में काफ़ी काजू बादाम नीचे भरा हुआ था, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें ज़रा क्या काजू वाजू डाला है। जो थोड़ा बहुत बचा था वो ले लिया मैंने पैक कर वाले, क्योंकि मुझसे पूरा इतना बड़ा फुल ग्लास खाया नहीं जाता, तो मैं अपना हमेशा थोड़ा सा लेके आ जाती हूँ। बस हम लोग बैठ चुके हैं और अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक अदर जगह पे। देखें यहाँ डिफेंस में पहले पर्दा पड़ा है ना, उधर सामने छोटी सी खिड़की दिख रही है। तो फंसी लोग पहले यहीं रहते थे, ये उनके बड़े पापा का घर है डिफेंस का, और जो लोग डिफेंस में रहते हैं वो जानते हैं कि कितना रे पोर्च इलाका है ये सब। तो ये सामने नेशनल हॉस्पिटल है जो आप ड्रामों में भी देखते हैं पाकिस्तान के नेशनल हॉस्पिटल का। तो हम पहुँच चुके हैं CSD। जी हाँ, ये है आर्मी का एरिया कराची में। और इसका देखिए पार्किंग एरिया कितना खूबसूरत बनाया, और मुझे यहाँ आके बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं इंडिया में आ गई हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की स्पेशलिटीज़ जो खाने पीने की थी उनके स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे। बहुत इंजॉयमेंट था, इतना मज़ा आ रहा था। 12 बज चुके थे लेकिन हम लोगों ने बहुत मस्तियाँ की, और मायरा ने तो जंपिंग पे इतना, इस पर ये जंप करने वाला होता है उस पर इतने मज़े किए, उतरने का नाम नहीं ले रही थी।
उसके बाद हम आ गए 3D राइड पे। तो मैंने फर्स्ट टाइम 3D राइड ली है, तो आप प्लीज़ देखें मुझे कि मैं कैसे एक्ट कर रही हूँ 3D राइड पे। वकील ने सारे वीडियो बना लिए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या कर रही है मम्मा? नहीं यार, नहीं, देखो देखो मजे आ रहे हैं। ओ यार पापा, यहाँ पे ना एक पहाड़ी है, ये मैं चमगादड़ मेरे मुंह को नोच रही थी जो मैं हरकत कर रही हूँ। अब हाथ पकड़ो। ओ शिट, मम्मा मम्मा की आंखें भी चली जाएंगी। भाई नहीं कर, रेडी रात चली जाएगी। ओ मतलब मजा आएगा। क्यों? मम्मा की आंखें चली जाएंगी। बहुत खाना है। क्या है अंदर? अभी मैंने यहाँ पे 3D राइड ली है और आप यकीन जाने मेरा दिमाग उड़ गया है भाई। ये क्या राइड थी, मुझे तो कहाँ से निकाल के इन लोगों ने निकाला है 3D राइड में, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है 3D राइड का, और मैं ऐसा सोचती थी लोगों को कि ऐसे कैसा फील हो रहा है, लोग उसी के साथ अपना अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, पर बिल्कुल सेम हमें लगता है ना कि हम मैं कांप रही है मेरी पूरी बॉडी, मेरा दिल धड़क रहा है। आर्मी वाले रहते हैं, ये आर्मी का शॉपिंग मॉल है हमारे यहाँ। इसको कुछ इसके यहाँ शॉपिंग करने के लिए ना, इंडिया में अगर तुम्हें आर्मी के उन जगहों पे शॉपिंग करना है तो मास्टर कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। इनके कार्ड बने होते हैं, जिनके पास कार्ड होगा वो ही लोग कर सकते हैं शॉपिंग, अदर कोई बंदा नहीं कर सकता। तो हमें भरवाना था फ्यूल, तो बस फ्यूल फिल फुल करवाने के लिए हम रुक गए हैं पेट्रोल पंप पे। और आपको एक चीज़ बताऊँ, पेट्रोल पंप पे जो शॉप्स होती है बनी हुई, इन पे ना बिल्कुल ब्रांडेड और अच्छे सब प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ज़बरदस्त, इनमें ज़रा भी धोखाधड़ी नहीं होती। मैं हमेशा, मुझे ये दुकानें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं शॉप्स जो होती है। तो हमने फ्यूल फुल करवा लिया और हम निकल पड़े हैं। देखिए सूनी सूनी रोडें कितनी प्यारी लग रही हैं, मुझे ऐसी सूनी रोडें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और ये जो बगल का जो रोड के पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, ये रोड पे ही डिफरेंट बीच के एरिया के हैं, और वो इतनी खूबसूरती से सजाया है उन्हें। आजकल तो बाहर का मौसम है, जैसे इतने फ्लावर आए हुए हैं। तो हम घर की तरफ मुड़ चुके हैं, और ये मैं बताऊँ आपको ये क्या, ये कराची में नादरा का ऑफिस है। तो यहाँ पे आईडी कार्ड्स और आधार कार्ड जैसे नहीं बनते, वो बनते हैं, और यहाँ पूरी रात काम होता है। मुझे नहीं पता इंडिया में होता है कि नहीं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा कि पूरी रात ही लोग भीड़ लगाए होते हैं और काम होता रहता है। और रमज़ान आ चुके, मैंने आपको बताया था ना, तो रमज़ानों में बहुत लेट नाइट तक की सारी शॉपिंग मॉल्स खुले होते हैं, और हर शॉपिंग मॉल्स को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और सहरी का भी बहुत प्यारे प्यारे होटल्स पे हर जगह सहरी के इंतज़ाम हो रहे हैं, जिसमें आप सहरी करने आए उनके होटल्स पे। तो इंशाल्लाह मैं सहरी में भी आपको ले के चलूँगी किसी न किसी रेस्टोरेंट पे, जहाँ बहुत ही एहतमाम होता है। और अफ्तार भी इस बार हम किसी होटल्स पे करेंगे जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो रात के 2:30 बज गए, लेकिन मायरा को चाहिए टॉयज़। तो फसी ने दुकान ओपन करवा के घर के पास वाले मॉल से, वहाँ से इन्हें टॉयज़ बुलाएँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर अपने, और मायरा अभी क्या कर रही हैं आप देख लें, 12 बज गए हैं और इन्होंने अभी भी टॉयज़ अपने खोल लिए जो लेके आई थी कहीं जाएँ और टॉयज़ ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने आज आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करना था कि 70 राइड कसम से मैं तो कहती हूँ, जिनके 70 नहीं 3D था, 3D था, यस यस, तो वो जिनके दिल कमज़ोर है ना, वो तो कतई ना लेना, 3D लेना 70 लें कसम। मैं ऐसे ऐसे मंदिर सामने आए हैं ना कि मैं खौफ हो गई, खौफ ज़्यादा हो गई, और मैंने कई जगहों पर अपनी आँखें भी बंद कर ली थी।